हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली तोरी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मैंने ये तोरी ली है हाफ के जी, इन्हें मैं छील लेती हूँ। ये जो इसके साइड होती हैं इन्हें भी काट लेते हैं। मैंने सभी तोरियों को अच्छे से छील लिया है। आप चाहें तो इन छिलकों के पकोड़े भी बना सकते हैं बेसन डाल करके और बारीक बारीक काट के। अब मैं तोरी को अच्छे से साफ़ पानी से धुल लेती हूँ दो बार। मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि उसमें कम से कम मसाले डालूँ, क्योंकि मसाले क्या करते हैं, हमारे पेट में जलन करते हैं और हमारे सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। ये मैंने तोरी को धुल लिया है। अब मैं इन्हें गोल साइज़ में काट लेती हूँ। आप चाहें तो इन्हें लंबे साइज़ में भी काट सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो आप उसको भी इस तरीके से तोरी बनाकर खिला सकते हैं। ये टेस्टी भी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। मैंने सभी तोरी को गोल साइज़ में काट लिया है। ये मैंने मसूर की दाल ली है। मैं मसूर की दाल डालकर तोरी बनाने वाली हूँ आज। मसूर की दाल को भी मैं दो बार अच्छे से धुल लेती हूँ। और मैं इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। मैं आधा बड़ा चम्मच तेल डाला है। इसमें मैं जीरा, हरी मिर्च और प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। हल्का ही कलर चेंज करना है हमें, मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और कुछ सेकंड तक भून लेते हैं। जो मैंने दाल धुली थी उसको भी मैं कुछ सेकंड फ्राई कर लेती हूँ। जो तोरी है इन्हें भी डाल करके आधे से 1 मिनट फ्राई कर लेंगे दाल के साथ ही। अब इसमें पानी डाल देंगे। आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि दाल क्या होती है, पानी को सोख लेती है। आप इस तरीके की तोरी को चावल के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। नमक डाल लें स्वाद अनुसार और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारी तोरी भी गल चुकी है और दाल भी अच्छे से गल गई है। बस इसे थोड़ा मैश कर लेते हैं जो तोरी हैं, जो कि दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे ढक कर के 1 मिनट और पका लेते हैं। हमारी तोरी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसमें हींग भी डाली थी, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। आप लास्ट में हींग भी ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।